बे महीना नहीं थी मैं धरती कप आयो धरती कप। पार्वती सिर्फ 2 महीने की थी जब एक बड़ा भूकंप आया था। मकान हमारा पूरा घर बिखर गया और पार्वती दीवार के नीचे दब गई थी। दीवार बदी है ना ऊपर पड़ी। हमने जब उसे बाहर निकाला तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और रो भी नहीं रही थी। तो एम जेम नॉर्मल जाती कार। हमें उस वक्त उसकी परेशानी का एहसास नहीं हुआ। लेकिन जब वो 1 साल की हुई तब उसे अचानक से झटके आने लगे। 5 साल तक ये ही चलता रहा। 5 वर्ष आलू। मेरा नाम पार्वती है। मेरे पिताजी पंक्चर बनाते हैं और मेरी माँ घर का काम करती हैं। बचपन में मुझे मेरी बहरी और गूंगी स्थिति के बारे में पता ही नहीं था। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे समझ में आया कि मैं सुन और बोल नहीं सकती। मैं शांति से कोने में अकेली बैठा करती थी। कोई मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं करता था और मैं भी किसी से बात नहीं करती थी। 6ठी क्लास तक मैंने मेरे गांव रापड़ के ही एक स्कूल में पढ़ाई की। 7वीं कक्षा से मेरा एडमिशन नवचेतन अंधजन मंडल में हुआ और मैं वहाँ हॉस्टल में रहने लगी। अदानी सक्षम की टीम हमारे स्कूल आई और हमें अच्छे तरीके से हेयर स्टाइलिंग, आईब्रोज, मेकअप, हेयर कटिंग करना सिखाया। हम क्या करते हैं कि विलेज में जाके हम वुमेन्स को ट्रेन करते हैं। तो ये बेसिकली ब्यूटी पार्लर में हम करते हैं आउटरीच प्रोग्राम भी। तो ब्यूटी थेरापी में पार्वती जैसे दूसरी 20 लड़कियां ने एडमिशन लिया था उसके अंदर बेसिक में आईब्रो है, वैक्स कैसे करना है, फेशियल कैसे करना है, हेयर कटिंग, हेयर स्टाइल, वो सब हमने कवर किया था। मेरी ब्यूटिशियन की ट्रेनिंग पर किसी को विश्वास नहीं होता लेकिन मैं उनका विश्वास हासिल करके ही रहती हूँ और अपना अच्छा काम जारी रखती हूँ। मेरे परिवार के सारे सदस्य मेरी प्रगति से बहुत खुश हैं। मैं 19 साल की हूँ। मैं सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून है।